तो फाइनली भाई लोग मैंने अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में जू को बना ही लिया है। तो भाई लोग जैसा कि तुमने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि आज मैं बनाने वाला हूँ एक जू को, क्योंकि भाई लोग तुम्हें पता ही है मैंने पार्क भी बना लिया है, वाटर हाउस भी बना लिया है और अपनी सिटी और पुलिस स्टेशन इन दोनों को भी अपग्रेड कर दिया है। अगर तुमने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो मैं इन सब वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। मगर उससे पहले इस वीडियो को पूरा देख लो भाई लोग, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। और अब जल्दी से जू की दीवारों को बना लेता हूँ। भाई लोग एक साइड की दीवार तो मैंने बना दी है और अब जल्दी से इसकी पीछे की दीवार भी बना देता हूँ। और अब जल्दी से इस साइड की दीवार को भी बना लेता हूँ, क्योंकि मेरी दो तरफ की दीवार तो लग चुकी है भाई लोग, और अब बस इस साइड की दीवार ही बच रही है। तो चलो जल्दी से लगा लेता हूँ। भाई लोग एक बार जू का लुक तो देखो, मैं कितना बड़ा जू बना रहा हूँ और इस जू को बनाने में बहुत मेहनत लगने वाली है भाई लोग। तो तुम जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अब मैं आगे की भी दीवारों को बना लेता हूँ। तो फाइनली भाई लोग मैंने जू की चारों तरफ की बाउंड्री कर दी है और अब जल्दी से इसके अंदर का काम शुरू कर देता हूँ। तो भाई लोग मैंने जू के अंदर का रोड बना लिया है, क्योंकि अगर अंदर का रोड ही नहीं होगा तो आना जाना किस पर करेंगे। और अब जल्दी से जाल बना लेता हूँ, क्योंकि इनके बिना तो जू जू ही नहीं लगेगा और अपने जो एनिमल्स है वो कहाँ रहेंगे, इसलिए उनके लिए पिंजरा होना भी तो जरूरी है भाई लोग। तो चलो जल्दी से उनके लिए पिंजरा बना लेता हूँ। तो भाई लोग लगभग मैंने पूरे जू में जाल को लगा दिया है, जिसके अंदर हमारे सारे एनिमल्स रहने वाले हैं। और अब जल्दी से ट्री को लगा लेता हूँ, क्योंकि भाई लोग जू की आन शान तो यही है, इनके बिना तो जू एकदम खाली खाली लगेगा। तो चलो जल्दी से ट्री को लगा लेता हूँ। और अब जल्दी से मैं मेन गेट को बना लेता हूँ।
चलो ये भी बन गया है और अब जल्दी से लाइट्स को भी लगा लेता हूँ। और अब यहाँ पर कुछ प्रोप्स को लगा लेता हूँ क्योंकि ये जगह बहुत खाली खाली लग रही है ना भाई लोग। और अब मैं यहाँ पे बड़े वाले ट्रीज को लगाने वाला हूँ, तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर P11 वाले गार्डन को लगाना पड़ेगा। चलो इन्हें जल्दी से लगा देता हूँ। और अब अंदर के कुछ जाल लगा लेता हूँ भाई लोग, जैसे कि जो अपने ज्यादा खतरनाक वाले एनिमल होंगे वो सिर्फ सिंगल वाले जाल में रहेंगे। और भाई लोग कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सा एनिमल ज्यादा पसंद है। भाई लोग जाल तो मैंने लगा दिए हैं और अब यहाँ पर ट्रीज को लगा लेता हूँ जिससे अपना जू और भी अच्छा दिखने लगेगा। तो भाई लोग अब बारी है अपने एनिमल्स की, तो मैं सबसे पहले वेलोसिरेप्टर को बुला लेता हूँ, और वो भी एक दो वेलोसिरेप्टर को नहीं बल्कि बहुत सारे वेलोसिरेप्टर को, क्योंकि एक दो अच्छे थोड़ी लगेंगे भाई लोग, इसलिए बहुत सारों को। और एक वेलोसिरेप्टर को यहाँ स्पॉन कर देता हूँ और एक को यहाँ पर भी, और यहाँ पर मैं अपने हॉर्स और डॉग को स्पॉन करूंगा क्योंकि भाई लोग अपने गेम में बस इतने ही एनिमल्स हैं, इसलिए इन्हें ही करना होगा अभी के लिए। तो जल्दी से कर देता हूँ। भाई लोग लगभग सारे काम हो चुके हैं और अब बस जल्दी से यहाँ पर एक दो डस्टबिन को स्पॉन कर देता हूँ। और अब भाई लोग मैं बनाने वाला हूँ अपने जू के मेन गेट को, जिससे अपना जू एकदम अलग ही लेवल का लगने लगेगा। तो चलो जल्दी से अपना मेन गेट बना लेता हूँ। एक बार देखो तो भाई लोग मैंने कितना मस्त मेन गेट बना दिया है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे असली मेन गेट हो ये अपने जू का। और अब जल्दी से बाहर भी लैम्प्स को लगा लेता हूँ जिससे अपना जू और भी अच्छा दिखने लगेगा। तो फाइनली भाई लोग अपना जू बन के रेडी हो चुका है और अब मैं तुम्हें इसे अंदर से भी दिखा देता हूँ। और अंदर जाने से पहले मैं अपना मोड ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि भाई लोग अगर मोड ऑन रहा ना तो अपनी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और एक बार अपने डाटा को भी सेव कर देता हूँ। चलो अब बेझिझक होकर मैं तुम्हें अपना जू दिखा सकता हूँ अंदर से। तो ये देखो भाई लोग कितना मस्त जू लग रहा है। और ये वेलोसिरेप्टर बाहर कैसे आ गया बे? जाल में था ये, तो बाहर कैसे आ गया? रुको अभी इसे मार देता हूँ, कभी पता चले भाई लोग अपना घूमता ही रहे पागलों की तरह। और देख रहे हो भाई लोग इधर भी वेलोसिरेप्टर है और इस साइड भी है। और ये देखो यहाँ पर मैंने एक घोड़ा स्पॉन करा है जो कि बेचारा अकेला है, सदमे में खड़ा है बिल्कुल। और यहाँ पर एक डॉग है अपना। और ये वाले ट्री तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं भाई लोग, ऐसा लग रहा है मैंने जू एकदम रियलिस्टिक बना दिया हो। और यहाँ पर भी ओए एक और वेलोसिरेप्टर बाहर, चल बे तू भी मर बैठे। तो बाहर क्या कर रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, पिंजरे में से बाहर कैसे आ गए? तो भाई लोग देख ही रहे हो क्या जू बना दिया मैंने एकदम रियलिस्टिक और एकदम असली। जो बात है जू तो काफी अच्छा लग रहा है। और अगर तुम्हें भी इस जू को अपने गेम में खेलना है तो कमेंट में यस लिख देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम ऐसी वीडियो रोज देख सको।